हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 20वां मुकाबला मी और डीसी के बीच 7 अप्रैल को खेला जाएगा। यह मैच वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। ऐसे में हम आपको पिच रिपोर्ट बताने वाले हैं। आईपीएल 2024 के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस की भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स से होगी। दोनों ही टीमों ने इस सीजन में अब तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस हार्दिक पंड्या के नेतृत्व में लगातार 3 मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स भी 4 में से 3 मैच हारकर अंक तालिका में 9वें स्थान पर है। ऐसे में मुंबई की नज़र टूर्नामेंट में पहली जीत पर होगी, वहीं दिल्ली पिछले हारकर को भूलकर वापसी करना चाहेगा। मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स पिच रिपोर्ट वानखेड़े स्टेडियम। मुंबई की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, यही कारण है कि यहां पर बैट्समैन ने खूब रन बनाए हैं, लेकिन इस ट्रैक पर तेज गेंदबाजों को भी शुरुआत मदद मिलती है। उसके कारण यहां पर टॉस जीतने वाली टीम लक्ष्य का पीछा करना पसंद करेगी। दोस्तों, इस मैच में टॉस की अहम भूमिका रहने वाली है। जो टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, तो दोस्तों यह वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट रहने वाली है। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी वीडियो पाने के लिए आप ड्रीम 11 क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।